नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बैड बैंक के बारे में। आखिर अभी किस संदर्भ में चर्चा में है और देखेंगे आखिर होता क्या है बैड बैंक। और भारतीय बैड बैंक बैंक संघ की अनुशंसाएं क्या है। बैड बैंक का सिद्धांत महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए, आखिर चर्चा में रहता है हमेशा। और बैड बैंक से संबंधित चुनौतियां क्या है, इसके सामने चुनौतियां क्या है। और एक आप शब्द सुनते हैं एनपीए की, समस्या के समाधान के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। एनपीए तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। आखिर होता क्या है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसे भी देखेंगे। वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रतिकूल प्रभावों के कारण देश की आर्थिक गतिविधियां अत्यधिक दबाव में हैं। कई अर्थशास्त्रियों और वैश्विक एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति का उल्लेख किया है। एक बात आप लोग याद रखिए कि हमारी स्थिति तो कोरोना वायरस से पहले से ही आप लोगों ने देखी होगी कि स्थिति अर्थव्यवस्था की खस्ता होती जा रही थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी उसमें कमी थी वो आपके कोरोना ने पूरी कर दी। और आपका ही देश नहीं, हमारे भारत में ही स्थिति खराब नहीं हुई अर्थव्यवस्था की। आप किसी भी देश को देख लीजिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका को देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, सबसे सफल देश है, विकसित देश है, जीडीपी में पहले नंबर पर है, फिर भी उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से चरमरा गई है अर्थव्यवस्था। मंदी की यह स्थिति विशेष रूप से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण विभिन्न कंपनियों का सार्वजनिक व निजी बैंकों की बैलेंस शीट में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि हो सकती है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि जब आपने कहीं से ऋण लिया है और अभी ऐसी स्थिति में आपकी आय ना हो तो आप चुकाएंगे कहां से। तो यही तो होता है गैर निष्पादित, यानी कि एनपीए में जुड़ जाएगा। तो स्थिति उन कंपनियों को भी दोष नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हालत वो बनी हुई है जहां कहीं से आय होने की संभावना ही नहीं है। लॉकडाउन से पूर्व सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 10 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गई थी, परंतु रेटिंग फर्म कैसिल, ये आपकी रेटिंग एजेंसी है कैसिल, ठीक है, अब वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का मूल 11 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से बैड लोन यानी कि खराब ऋण, बैड एसेट यानी कि खराब परिसंपत्तियां में बेथासा वृद्धि हुई है। विदित है कि बैड लोन और बैड एसेट से मिलकर बनती है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। बैड लोन से बैंकों के लाभांश में कमी आती है, फलस्वरूप बैंक के लिए ऋण देना मुश्किल हो जाता है। बैंकों की साख दर में लगातार गिरावट और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए हाल के वर्षों में एक नई अवधारणा लेकर सामने आ रही है, जिसका नाम है बैड बैंक। क्या है बैड बैंक? बैड बैंक की अवधारणा को बैंकों की वाणिज्यिक अचल संपत्तियां संपत्ति पोर्टफोलियो की समस्या के निदान करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1988 में मेलॉर्न बैंक के पीटर्सबर्ग मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया था। बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक बैड बैंक कर्ज में फंसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा, उसे निपटने का काम भी इसी बैंक का होगा। जब किसी बैंक की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिए धारण कर लेता है। इसे आप सीधा सा समझिए, बैड बैंक का एक तरह से मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से, कि बैंक ने किसी को ऋण दिया हुआ है, ठीक है, अब वो ऋण वापसी नहीं कर रहा है। कोई कंपनी हो सकता है, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो बीच में आप एक बैड बैंक बना लीजिए, एक संस्था बना लीजिए, और आपका जो आप बैंक से जिसका वो ऋण दिया हुआ है जिस व्यक्ति को, उससे बैंक से उस ऋण को खरीद लीजिए,
अगर 100 रुपये है, अगर उस पर 100 रुपये है देने वाले पर, तो इसे आपको कम पैसे में बेच देगा, यानी कि 90 रुपये में बेच देगा बैंक, क्योंकि वो उस ऋण को निकालने में सक्षम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप जबरदस्ती से निकालेंगे सामने वाले से। आपके पास इतनी क्षमता है कि आप सामने वाले से जबरदस्ती निकाल सकते हैं, हिम्मत है आप में, तभी तो आप खरीदेंगे। ये बैड बैंक आप ही है, इसी तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। भारतीय बैंक संघ की अनुशंसाएं। भारतीय बैंक संघ, जो कि एक दबाव समूह है, ने प्रोजेक्ट सशक्त की सिफारिशों को आधार बनाकर 3 संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC, एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंक बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट को स्वच्छ और संतुलित रखने में उनकी सहायता करने के लिए उनसे गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या खराब ऋण खरीदती है। दूसरे शब्दों में ARC बैंकों से खराब ऋण खरीदने के कारोबार में कारगर वित्तीय संस्थान है। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, AMC परिसंपत्तियों का प्रबंधन, जिसमें प्रबंधन का अधिग्रहण या फिर परिसंपत्तियों के पुनर्गठन जैसे कार्यों कार्य करेंगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक के फंसे ऋण के लिए AMC की स्थापना की जाएगी। AMC बैंकों द्वारा NPA घोषित किए हुए ऋण को खरीदेगा, जिससे इस कर्ज का भार बैंकों पर नहीं पड़ेगा। यह कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी और इससे सरकार का कोई दखल नहीं होगा। AMC सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों से धन जुटाएगी, यानी कि जबरदस्ती इनके पास इतनी पावर होती है कि किसी भी से भी ऋण वसूल कर सकते हैं, समझ रहे हैं। पर्याप्ति विकल्प निवेश कोष AIF, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC को AIF के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। IBA ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बैड लोन की प्राप्ति के लिए एक स्वतंत्र ARC की गठन की सिफारिश की थी। अब बात करते हैं बैड बैंक का सिद्धांत महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। सर्वप्रथम बैड बैंक की चर्चा वर्ष 2017 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी डूबते कर्ज से निपटने के लिए बैड बैंक की अवधारणा को बेहद जरूरी बताया। विदित है कि बैड बैंक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों की तरह काम करेंगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करेंगी। बैड बैंक एक ऐसा बैंक होगा जो दूसरे बैंकों को डूबते कर्ज को खरीदेगा। ध्यातव्य है कि बैड बैंक का नाम पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी होगा और यह प्रयोग जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस जैसे देशों में सफल भी रहा है। दरअसल बैंकों, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां तेजी से बढ़ रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल गैर प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति 11 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। बैंकों की कुल ऋण का करीब 9.7% गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में तब्दील हो चुका है और करीब 80% गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हैं। बैड बैंक के आने से दूसरे बैंकों को डूबते कर्ज को वसूलने का दबाव हट जाएगा। दूसरे बैंक नए ऋण देने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बैंकों को अपने डूबते कर्ज बैड बैंक को बेचने की सुविधा भी मिलेगी। इसमें डिफाल्टर कंपनियों की संपत्ति बेचने के काम में तेजी आएगी। बैंक अधिकारी परिसंपत्तियों की जब्ती की जगह बैंकिंग गतिविधियों को सुचारू ढंग से चला पाएंगे। यानी कि अभी आप समझ रहे हैं कि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस जैसे विकसित देशों में हुआ है, अभी अपने यहाँ की स्थिति देखिए आगे क्या होता है अपने यहाँ, क्योंकि इन देशों से अलग स्थिति है हमारे देश की, आप सब जानते हैं। बैड बैंक के संबंध में कैसी चुनौतियां, क्या क्या हैं आगे इससे संबंधित। बैड बैंक की स्थापना में सबसे बड़ी समस्या बैंक में हिस्सेदारी को लेकर है। यह जानना दिलचस्प है कि समस्या निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के अधिकतम भागीदारी से है। यदि बैड बैंक में सरकार की हिस्सेदारी अधिक हो तो बैंकों की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां इतनी अधिक हो गई हैं कि बैड बैंक के माध्यम से इनकी खरीद
पर सरकार को उल्लेखनीय व्यय करना पड़ सकता है। यदि वेड बैंक को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया जाए तो सबसे बड़ी समस्या गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के मूल्य को लेकर हो सकती है। निजी क्षेत्र का वेड बैंक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए गैर निष्पादनकारी एनपीए परिसंपत्तियों का मूल्य तय करेगा। सीधा सा कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि निजी जो क्षेत्र होता है वो ध्यान लाभ पर देता है। फिर आप निजी बैंकों को देख लीजिए, निजी संस्थाओं को देख लीजिए, ये सभी लाभ पर ज्यादा ध्यान देती है और सरकार आप देखते हैं कि समाज कल्याण पर ज्यादा ध्यान देता है। यदि यह मूल्य बहुत अधिक हुआ तो बैड बैंक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि यह मूल्य बहुत ही कम हो गया तो बैंकों को उनके ऋण देयता के अनुपात में राशि नहीं मिल पाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार बैड बैंक की अवधारणा एक नैतिक संकट उत्पन्न कर सकती है और बैंकों को अनुत्तरदायित्वपूर्ण उधार प्रथाओं को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सीधा सा आप समझिए कि रघुराम राजन एक अर्थशास्त्री हैं तो उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज हो सकता है, आप जानते हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें स्थिति भी अपने देश की पता है कि हमारे देश माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे वेड लोन, मतलब इन्हीं की तो परिसंपत्ति सबसे ज्यादा ऋण लिया हुआ है इन्होंने, तो इसे वसूलना बहुत मुश्किल की बात है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं एनपीए की समस्या समाधान के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं। सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और चयन व्यवस्थाओं में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत कार्यकारी निदेशकों, बोर्ड के सदस्यों से लेकर अध्यक्ष तक सबके संदर्भ में किए बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। बदलाव किए जाने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? आपने देखा होगा अगर आपको 50,000 या 1 लाख का ऋण चाहिए तो आपको 1,000 चक्कर काटने पड़ेंगे फिर भी आपको ऋण नहीं दिया जाएगा। और माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को देखिए, 7-8 हजार करोड़ रुपए लेकर चले गए, उसके बाद आपने देखा है कि उनका उन्हें कहां किस तरह से ऋण मिल गया होगा। अभी आप भी करिए, यही आप बैंक में जाइए और 5 लाख का ऋण निकलवाइए, 50,000 बैंक के मैनेजर किसी से व्यवस्था कर लीजिए, आराम से मिल जाएगा, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी की बात की जा रही है कि इस तरह की बोर्ड में समस्याएं मतलब उत्पन्न है, इन्हें बदला जाए, इनमें सुधार करने की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरे कदम के तौर पर वरिष्ठ बैंक कर्मचारियों के लिए मूल्यांकन परियोजनाओं के तहत आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नियमित बैंकिंग परिचालन की अपेक्षा वित्तीय परियोजनाओं में विभिन्न तरह के कौशल की आवश्यकता होगी। तीसरा कदम, सतर्कता विभागों को सुदृढ़ करने का होना चाहिए। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोई प्रभावी सतर्कता तंत्र मौजूद नहीं है। इस संबंध में चौथा कदम, समयबद्ध जांच की व्यवस्था का होना चाहिए। बड़े स्तर पर एनपीए के कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सार्वजनिक डोमेन में या जानबूझकर चूक किए गए जाने के प्रमाण मौजूद हैं। ऐसे मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप देना चाहिए ताकि निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की सके। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का मालिकाना हक सरकार के पास होता है और इसके प्रबंधन में भी सरकार की भूमिका बहुत अहम होती है। आमतौर पर बैंक बोर्ड की मीटिंग्स में सरकार का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय की नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। यह कोई अनिवार्य घटक नहीं है कि इन अधिकारियों के पास बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित अनुभव या फिर ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे में इनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय और की जाने वाली कार्रवाई की जवाबदेहिता का प्रश्न बहुत अहम हो जाता है। आप लोग एक बात हमेशा देखिए कि आपके देश में कभी आरबीआई के गवर्नर उसे बना दिया जाता है जो अर्थशास्त्री होता ही नहीं है, कभी वित्त मंत्री उसे बना दिया जाता है जिसे वित्त की समझ ही नहीं होती है, आपने देखा है नॉर्मल सब। लेकिन अन्य विकसित देशों में आप देखिए, वहां बाकायदा अभी भी अगर कोरोना महामारी में अर्थशास्त्रियों से सलाह ली गई है कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन अपने देश में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके यहाँ एक अभिजीत बनर्जी को अभी नोबेल प्राइज मिला हुआ था 2019 में, अभिजीत बनर्जी, उन्होंने भी कुछ सलाह दी थी लेकिन नहीं मानी गई है ना। रघुराम राजन ने भी सलाह दी थी, नहीं मानी गई ना। तो हमारे यहाँ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में भी पर्सनल देख सकते हैं कि कोई घर परिवार वाला या फिर कोई अच्छा जिसे समझ है वो हमें सलाह देता है तो हम उसे बेवकूफ समझते हैं।
हम अपने आप को इतना होशियार समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो यही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम हमारी सरकारों की भी। ठीक है, इसीलिए आप स्थिति देख सकते हैं कि बाकी देशों का देखिए, जापान को ही देख लीजिए, 2 बार परमाणु बम की तबाही झेलने के बाद भी उठ खड़ा हुआ है, विकसित देशों की सूची में जुड़ चुका है। वहीं आप चाइना को देखिए कि जो हमसे 2 साल बाद आजाद होता है, 1949 में जाकर आजाद होता है, हम 1947 में आजाद हो जाते हैं, और हमारी स्थिति देख लीजिए, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि चाइना जीडीपी के मामले में भी पहले नंबर पर पहुंच जाएगा अमेरिका को पछाड़ के। तो कहीं तो हमारी ही नीतियों में गड़बड़ाहट है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप 1947 से गरीबी हटाओ आंदोलन चल रहा है, बराबर नारा चला आ रहा है, वोट बैंक चलती आ रही है, लेकिन अभी तक गरीबी हटी है। सबसे ज्यादा आपने देखा है कोरोना महामारी के काल में गरीब प्रभावित हुआ है। तो चलिए छोड़िए, अब दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड आईबीसी 2016 के अनुसार, किसी ऋणी के दिवालिया होने पर एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है। आईबीसी के हिसाब से यदि 75%, कितना, 75% कर्जदार सहमत, कर्जदाता सहमत हो, तो ऐसी किसी कंपनी पर 180 या फिर 90 दिनों की अतिरिक्त रियायती काल के साथ के भीतर कार्रवाई की जा सकती है। 180 दिन जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो निष्कर्ष का क्या कहा जा सकता है? भारत की बैंकिंग प्रणाली ऐसी चुनौती भरी पृष्ठभूमि में अपेक्षा के लंबे समय में से कार्य कर रही है, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आर्थिक गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता तथा तो लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तब तक व्यावसायिकता में उनकी कमी बनी रहेगी। इसलिए संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था में मूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। बैंकिंग व्यवस्था में समग्र सुधार के उचित कार्यान्वयन के साथ ही बैड बैंक की अवधारणा पर बहस होनी चाहिए, जैसा कि इंद्रधनुष योजना में परिकल्पित है। आप लोगों को पता होगा कि नौकरशाहों की एक प्रॉब्लम रहती है। आप सोचिए कि आप कोई अधिकारी हैं और आप सरकार का काम अच्छे से कर रहे हैं, सरकार जो कह रही है, सरकार के आदमी जो भी कह रहे हैं, मतलब जो सरकार अभी सत्ता में है उसके आदमी जो कह रहे हैं वो आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो एक आपको आशा भी रहेगी कि हो सकता है आपको आगे कुछ अच्छा पद दिया जाए या फिर यार टिकट दे दिया जाए आपको। तो यही हमारी प्रॉब्लम है, अगर ये आशा खत्म कर दी जाए तो हर नौकरशाह अपना ईमानदारी से काम निभाएगा, उसे सरकार से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं देखा जाता है। एक शब्द आपको एनपीए की बात की थी हम लोगों ने, अगर सरल शब्दों में हम कहें कि बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला जो बैंक या व्यक्ति होता है वो पेमेंट रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है, फिर उसे एक नोटिस भेजती है बैंक कि भाई तुम अपना देख लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, यानी कि पेमेंट कर दीजिए। फिर भी वह अगर आदमी पेमेंट नहीं करता है या नहीं करता है या कर पाता है, अब उसके खिलाफ बैंक ने एक्शन लिया, वो बैंक एनपीए की करेगा। जब वह आदमी बैंक को पैसे चुकाने में नाकामयाब हो जाता है तो बैंक उसे लोन करा देती है, यानी कि लोन में एनएपीए एनपीए जोड़ देती है, यानी कि बैड बैंक। अगर हम लोग इसकी बात करें तो 90 दिन के पहले बैंक को बैड लोन को रिकवर करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ज्यादातर लोन वाले बैंकों के कुछ प्रतिक्रिया आए उससे पहले से ही उल्टा बैंक बैंकों का पर केस केस ठोक देते थे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, गलत इंफॉर्मेशन बताकर लोन लिया गया आदि, और केस सिविल कोर्ट में चलते रहते थे। अब जानते हैं कि तारीख पर तारीख इस तरह की चलती रहती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप कि अगर 90 दिन में उसे नहीं चुकाया जाता है तो वो एनपीए में जोड़ दिया जाएगा, 90 दिन तक आप कोई भी किस्त नहीं भरते हैं उसकी। तो चलिए
चलिए, तो ये थी आपकी बेड बैंक की अवधारणा।